Very good morning, students. Today we are going to discuss about the intermolecular forces. ठीक है? What are the intermolecular forces and what are the types? Types के बारे में हम discuss करेंगे and the some of the terminology which we use for the next incoming articles that is the surface tension. ठीक है? कुछ एक terminology भी उसके बारे में discuss करेंगे. Clear हुई बात ये? So let's discuss that the intermolecular forces. What is the intermolecular forces? क्या होती है? It is nothing but it is the force between टू मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस. ठीक है, अगर मैं मॉलिक्यूल्स वाटर कंसीडर कर लेता हूं, यहां पे वाटर के मॉलिक्यूल्स है. ठीक है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि वाटर के मॉलिक्यूल सारे अलग अलग हो. पानी अगर हम लेते हैं तो पानी जो है सारा एक ग्लास के अंदर होता है. ठीक है, ऐसा तो नहीं होता कि कुछ एक पानी का पोर्शन एक तरफ होता है और कुछ दूसरी तरफ होता है. नहीं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. क्या करते हैं कि फोर्सेस जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ये मॉलिक्यूल्स. ठीक है, एंड दे आर बाइंडेड विद सम काइंड ऑफ द बॉन्ड. इन दोनों के बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग हो जाती है. ठीक है, इसी बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. अगर वाटर के केस में मैं अगर आयरन के मॉलिक्यूल्स ले लेता हूं तो आयरन के मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, दिस बॉन्डिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग. ये जो बॉन्डिंग होती है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, इसलिए क्या इसलिए इसकी वजह से क्या होता है, हम आयरन को इतनी इजीली तोड़ नहीं पाते हैं. करे बात, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग जो है थोड़ी आयरन के कंपैरिजन में वीक होती है. ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू ब्रेक दैट बॉन्डिंग वेरी इजीली. ठीक है, बट स्टिल दे आर नॉट दे कैन नॉट बी आर सेपरेटेड बाय द मॉलिक्यूल्स. हम मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को अलग नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम पानी के अंदर हाथ डालते हैं तो हम इजिली उसके अंदर हाथ डिप कर देंगे. ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो थोड़ी वीक होती है. क्लियर हुई बात है. लेकिन अगर आयरन के मॉलिक्यूल्स के अंदर हाथ डालेंगे, आयरन के अंदर हाथ डालेंगे तो उसको दैट इज नॉट पॉसिबल. क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स के बीच की जो इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग. ठीक है, और ये जो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बाइंडेड अप रहते हैं इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बोला जाता है. क्लियर होगी बात ये. ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है. नाउ आवर टॉपिक इज मेन द फोर्स ऑफ एडिशन, दैट मींस दिस इज द टाइप ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. दो तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में. कौन कौन सी होगी, देखो, फर्स्ट वन द फोर्स ऑफ एडिशन. एडिशन फोर्स कौन सी होती है, द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट काइंड. अब देखो, मैंने इस बोर्ड के ऊपर लिखा, बोर्ड के मॉलिक्यूल डिफरेंट है और ये जो मार्कर है, मार्कर के मॉलिक्यूल क्या है, डिफरेंट काइंड के हैं. लेकिन ये मॉलिक्यूल्स जो है वो किसके साथ स्टिक करके, बोर्ड के साथ स्टिक करके. ठीक है, तो ये जो डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो क्या चीज है, जब मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ ये समथिंग, राइटिंग समथिंग, तो ये जो इंक जब चल रही है तो इंक ये जो मॉलिक्यूल्स है दे आर क्रिएटिंग द बॉन्ड विद दिस बोर्ड. बोर्ड के जो मॉलिक्यूल्स है उनके साथ क्या कर रहा है, बॉन्डिंग बना दे रहा है. ठीक है, तो इनके मॉलिक्यूल डिफरेंट काइंड के हैं और बोर्ड के मॉलिक्यूल अलग काइंड के हैं. ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड एज द फोर्स ऑफ एडिशन. जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करते हैं ग्लू का केस ले लेते हैं. ठीक है, हम किसी चीज को चिपका रहे हैं, मान लो ये मेरा पेन टूट गया हुआ. ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ग्लू लगा लूंगा. तो ग्लू के मॉलिक्यूल्स है बहुत अलग तरह के हैं और पेन के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट काइंड के हैं. तो लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, वो चिपक जाते हैं दूसरे के साथ. ठीक है, दे गेट स्टिक्ड अप. तो उसी तरह की फोर्स को आप क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ एडिशन. जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग क्रिएट कर देती है उसी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ एडिशन. जैसे हम फेविकोल्स वगैरह हो गए, फेविकोल्स के कोई भी ऑब्जेक्ट को जोड़ देते हैं तो फेविकोल्स जो है उसमें जो मॉलिक्यूल्स उनके मॉलिक्यूल अलग होते हैं, लेकिन जो जिसको हम जोड़ रहे हैं उसके मॉलिक्यूल अलग होते हैं. क्लियर हुई बात ये. सो दे कैन मेक द बॉन्ड विद द अदर काइंड ऑफ द मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जांपल इज देयर, जब हम बर्तन को साफ करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स द डिफरेंट काइंड एंड द बर्तन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे दे आर द डिफरेंट काइंड. लेकिन उसके बावजूद वो क्या होते हैं, वो स्टिक कर जाते हैं बर्तन के साथ. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ऑफ एडिशन. ठीक है, द फोर्स होगी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट काइंड के मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे के बीच में बॉन्डिंग बना लेंगे तो उसको हम बोलेंगे फोर्स ऑफ एडिशन. अ सेकंड टाइप द फोर्स ऑफ कोहेजन. फोर्स ऑफ कोहेजन क्या चीज होती है, देखो यहाँ पे द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द सेम काइंड. ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सिर्फ अपने ही मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करेंगे, बॉन्डिंग बनाएंगे, किसी दूसरे के साथ वो बॉन्ड बना ही नहीं पाएंगे. दैट काइंड ऑफ द मॉलिक्यूल
you see that kind of the force is called as the force of cohesion. For example, we can take the example of mercury. मर्करी देखिए ना आप लोगों ने, अगर मैं उसको हाथ में लेके लेता हूँ उसको तरह इस तरह से रब करूंगा तो अगेन फिर वो एकदम से बॉन्डिंग बना लेगी, उसको आप तोड़ नहीं सकते, क्लियर है। अगर मैं थोड़ा सा एक ड्रॉप ले लेता हूँ मर्करी के और उसमें फिंगर डालता हूँ तो फिंगर मेरी वैसे की वैसी रहेगी, देट कैन नॉट बी वेटेड बाई दिस मर्करी। क्यों? क्योंकि मर्करी के खुद के मॉलिक्यूल्स के बीच में, मर्करी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिर्फ अपने ही मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। अगर एक और मर्करी की ड्रॉप ले लूंगा तो किसको, वाटर के साथ अगर मैं बनाऊंगा तो नहीं, वाटर के साथ वो बॉन्डिंग बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन किसी दूसरे मर्करी के साथ बनाऊंगा तो एकदम से ये फ्यूज्ड अप हो जाएंगे, एक बड़ी सी मर्करी मॉलिक्यूल्स बना देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग हो रही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मर्करी जो है अपने ही मर्करी मॉलिक्यूल्स के साथ क्या कर रही है, बॉन्डिंग बना रही है। सो दैट काइंड ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड एज द फोर्स ऑफ कोहेशन, जिसमें मॉलिक्यूल्स जो है सेम काइंड मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ कोहेशन। लेकिन उनकी एडिशन के केस में क्या हो रहा था, वो किसी भी मॉलिक्यूल्स के साथ क्या कर रहा था, बॉन्डिंग क्रिएट कर रहा था, ठीक है। तो फोर्स ऑफ एडिशन इज नथिंग बट द बॉन्डिंग बिटवीन द डिफरेंट काइंड ऑफ द मॉलिक्यूल, एंड फोर्स ऑफ कोहेशन इज बट द फोर्स ऑफ फोर्स बिटवीन द सेम काइंड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। क्लियर हुई बात ये सारी, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट some of the terms which we use for the further reference, molecular range. अब molecular range क्या होती है? देखो molecular sphere, molecule जो एक sphere की form में होता है। अगर मैं एक particle लेता हूँ, ठीक है, तो एक particle है क्या, इसको मैं जब under resolution देखूँगा तो एक बड़ा सा sphere है। इसको sphere की form में हम इसको show कर देते हैं। ये particle जो है वो क्या है, एक sphere की तरह इसको हम show कर रहे हैं। When seen under the microscope, मतलब एक ball लेता हूँ मैं तो एक बॉल की तरह होगा इसका सरफेस जो होगा, ठीक है। इस सरफेस जो है वो कैसा होता है कि बॉल की तरह, एक सरफेस बॉल होता है, क्लियर हुई है। तो मॉलिक्यूलर रेंज होती क्या है, मॉलिक्यूलर रेंज इज नथिंग बट इट रिप्रेजेंट दैट द स्पेस अप टू विच इट कैन इन्फ्लुएंस द अनदर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर मैं एक और मॉलिक्यूल लेता हूं तो ये मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। अट्रैक्शन जो होगी इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर रेंज। दैट विल बी अप्रोक्सीमेट 10^-9 meters, रेंज अप टू विच द मॉलिक्यूल कैन अट्रैक्ट द अनदर मॉलिक्यूल्स, किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स को वो अट्रैक्ट कर सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर रेंज। और ये रेंज कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट 10^-9 meters की रेंज होती है ये, क्लियर है। स्फीयर ऑफ द इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब जहां तक उसकी पर्टिकुलर रेंज होगी, कि मेरे पास मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स का एक पर्टिकुलर रेंज होगी, मान लो यहां तक इसकी पर्टिकुलर रेंज है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल के, ये मॉलिक्यूल जो है इस पर्टिकुलर रेंज तक अपना इन्फ्लुएंस जो है वो डाल सकता है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, स्फीयर ऑफ द इन्फ्लुएंस। अगर मैं बॉल लेता हूं तो बॉल के सेंटर में मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल काम करेगा एज ए पार्टिकल, ठीक है, और इस मॉलिक्यूल्स की अपनी एक पर्टिकुलर रेंज होगी, वो रेंज कितनी होती है, 10^-9 meters। तो मॉलिक्यूल से 10^-9 meters तक की उसकी एक रेंज होगी, जिस रेंज में अगर दूसरा मॉलिक्यूल आता है तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, दैट इज कॉल्ड द स्फीयर ऑफ द इन्फ्लुएंस। क्लियर हुई बात की, द रेंज अप टू विच The molecule can attract the another particle. और molecular range जो होती है वो कितनी होती है, 10^-9 meters की equivalent होती है। And surface film क्या होती है, आप लोगों ने कभी observe किया होगा क्या, अगर मैं एक liquid लेता हूँ in the bucket, ठीक है, liquid की bucket की जो सबसे ऊपर वाली layer होती है that will be behave like a different as comparison to the inner layers, ठीक है, ऐसा क्यों होता है। अगर मैं इस लेयर के ऊपर एक छोटा सा मान लो पेड़ का पत्ता डाल देता हूँ तो वो क्या होता है, उसके ऊपर तैरता रहता है, उस साल में आपने देखा होगा कि वो क्या होता है, कर्व्ड सरफेस बना देता है, कुछ इस तरीके से। अगर ये लेवल है लिक्विड का तो ये लेवल जो है वो कुछ इस तरीके से कर्व्ड हो जाता है, ठीक है, अराउंड द लीफ ऑफ दैट ट्री, ठीक है, उस ट्री की लीफ के सराउंडिंग बेंड हो जाता है सरफेस, ठीक है। ये बेंडिंग जो होती है किसकी वजह से होती है, सरफेस फिल्म की वजह से। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास सरफेस में जो लेयर होती है दैट विल बी बिहेव इन द डिफरेंट मैनर एज दैट ऑफ द लिक्विड इनसाइड दिस
जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड्स के अंदर जो होंगे वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं एज कम्पेयर टू दिस लेयर, समझे बात। इस लेयर के कंपैरिजन में अंदर वाले मॉलिक्यूल डिफरेंटली बिहेव करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे जब हम मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपल सा आपने ये बताना है द फिल्म लेयर और द आउटसाइड अपर लेयर ऑफ दिस लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड द सरफेस फिल्म बोला जाता है इसको। क्लियर होगी बात ये। सो दीज आर द सम ऑफ द टर्मिनोलॉजी व्हिच वी यूज फॉर दैट कवरिंग आर्टिकल्स। क्लियर है।